क्लिनिक के 13 वर्ष पूरे होने पर चुनार सराफा बाजार स्थित रस्तोगी डेंटल क्लिनिक की 13वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निःशुल्क दंत परीक्षण परामर्श एवं उपचार के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। और इसके साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए श्री संतोष जी को चुनार जिला के विभाग प्रचारक एवं डॉक्टर विपुल रस्तोगी द्वारा रामबाग के समीप वृक्षारोपण का कार्य किया गया। और पेड़ वहीं आप लगाइए जिससे अच्छी तरीके से देखभाल किया जा सके। इन वृक्षों को वट वृक्ष भी कहा जाता है। इन वृक्षों से हमें 24 घंटे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है एवं इनकी उम्र हजारों साल होती है। आने वाली कई पीढ़ियां इसका आनंद लेंगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संतोष भाई जी, जो कि जिला प्रचारक हैं, और रस्तोगी डेंटल क्लिनिक के MD डॉक्टर विपुल रस्तोगी, चुनार पूर्व चेयरमैन विजय वर्मा, अमरेश चंद्र मौर्य, मोनू पांडे, अभिषेक पांडे, विकास विवेक सिंह आदि लोगों का वहां पर उपस्थिति रहा। और यह भी उनके द्वारा बताया गया कि वृक्ष लगाना कितना लाभकारी है, जो प्रकृति को स्वच्छ बनाती है। और साथ ही साथ रस्तोगी डेंटल क्लिनिक पर निःशुल्क शिविर का आयोजन हुआ। वो लगवाएंगे तो दांत बच जाएगा, वो खड़ा नवाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे वाला है कि पीछे से दूसरा वाला है? जो जो जहाँ निकला था उसको बदल होगा, अच्छा हिस्सा निकला होगा थोड़ा, ठीक है। और ध्यान रखिए, चीटने स्टार्ट करने से पहले मैं कह रहा हूँ 100% ठीक नहीं होगा, ठीक है। जो खतरा है आगे वो नहीं होगा, हम बस ये आपको अश्योर करना चाहेंगे, ठीक है। आप किस कंट्री में जॉब कर रहे हैं? जॉब नहीं है, दुकान में काम है। अच्छा, सेंट लूसिया में। सेंट लूसिया कहाँ पे? वेस्टर्न डीज कंट्री। वेस्टर्न कंट्री में जी? वेस्टर्न डीज। वेस्टर्न डीज में जी? आप वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया में काम करते हैं जी। वहाँ पे बहुत ही सीमित मेडिकल सुविधाएं हैं, और हैं भी तो वो इतनी महंगी हैं कि बाहर का आदमी जो वहाँ कमाने के लिए जा रहा है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ का इलाज सर बहुत काफ़ी महंगा की वजह से लोग नहीं कर पाते। हाँ, महंगा भी है और साथ में बहुत अच्छे डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध हैं जी। जी है, तो इसलिए ये वापस आए हैं। आए तो पारिवारिक काम से थे, लेकिन साथ ही साथ अपना मेडिकल कंडीशन भी इन्होंने दिखाया या बताया जी। जी, अब आगे देखते हैं, इनके पास 20 दिन का समय है और हम लोग लग के इनको काफ़ी हद तक ठीक कर लेंगे जी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर।